नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बीजेपी ने इस दौर के असेंबली चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 और विजन डॉक्यूमेंट 2022 का नाम दिया गया है। यूपी वाला डॉक्यूमेंट गृह मंत्री अमित शाह द्वारा और उत्तराखंड का केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया। दोनों में एक लाइन कॉमन है, हम लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। ये निर्णय एक ही समय में पार्टी की बेशर्मी और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। बेशर्मी या निर्लज्जता इसलिए क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय सरकार के अनुसार ना तो लव जिहाद नाम का कोई अपराध है और ना ही उसके पास इसके प्रिवेलेंस के कोई आंकड़े। एक्चुअली सन 2020 में भाजपा सरकार ने संसद में उसको फॉर्मली सूचित किया था कि इन घटनाओं का कोई सबूत नहीं है। ये 4 फरवरी 2020 की बात है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बयान दिया था। उनके एग्जैक्ट शब्द ये थे, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन एंड नो केस ऑफ लव जिहाद हैज बीन रिपोर्टेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज। धर्म का प्रचार करना हक है। इसके बावजूद संकल्प पत्र में वादा किया गया है, तो क्या ये बेशर्मी और निर्लज्जता को नहीं दिखाता है? अब उनके इस मुद्दे पर दृढ़ संकल्प को समझते हैं। दरअसल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बल्कि पूरे संघ परिवार के टारगेट में इंटरफेथ विवाह है, खास तौर से तब जब मुसलमान युवक हिंदू युवती से शादी करता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से विवाह करता है या उसके साथ घूमता फिरता है। ये उनके सोच की क्रूडनेस को दर्शाता है। विवाह इनके लिए मात्र सेक्सुअल एक्सेसिबिलिटी और पोजीशन का जरिया है। ध्यान देना चाहिए, मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के खिलाफ सबसे उग्र जो वॉइसेस हैं वो संघ परिवार के नेताओं के हैं। खैर, इस मुद्दे को लव जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में इसका अभी फिलहाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लव जिहाद के ना होने के बावजूद संघ परिवार द्वारा लगभग 100 वर्षों से यह अभियान चलाया जा रहा है। हिंदुत्व की विचारधारा को वीडी सावरकर ने 1920s में कोडिफाई किया था। 1927 में उन्होंने एक नाटक भी लिखा था जो साहित्यिक से ज्यादा राजनीतिक था। संगीत उश्राप नाम के इस नाटक में सेंट्रल कैरेक्टर बंगश खान नामक एक व्यक्ति को पोर्ट्रेट किया था सावरकर ने। उसका जिंदगी का एक ही मकसद था, हिंदू लड़कियों को कैप्चर करना, उनको अपने हरम में शामिल करना और बच्चे पैदा करना ताकि मुसलमानों की तादाद बढ़े। इतिहास में हिंदू औरतों के खिलाफ एलिज्ड सेक्सुअल वायलेंस का बदला लेने की बात भी सावरकर ने अपने लेखों में किया था। जब अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था तब ये विकृत मानसिकता फिर से उभर के आई थी। कई जगहों पर वॉल राइटिंग की जाती थी, मैं बाबर का दामाद हूं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मीन किया जा रहा था।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद आरएसएस विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के पोलराइजिंग पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया था। उनको ओवरकम करने के लिए दो इल्यूजरी मुद्दे प्रेजेंट किए गए थे। पहला, मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाएंगे और हिंदू माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कॉन्स्पिरेटोरियली हाई है। सेकंड मुद्दा जो उन्होंने उठाया था, वो झूठा प्रचार किया गया था कि मुस्लिम युवक जानबूझकर हिंदू लड़कियों को लुभाते हैं, उनसे शादी करने के बहाने उनके धर्म को जबरदस्ती परिवर्तित करते हैं और फिर उनको इम्प्रेग्नेट किया जाता है ताकि मुसलमानों की आबादी बढ़े। एक पत्रकार के रूप में मैंने 1990s के दशक में उत्तर भारत में बहुत ट्रैवल किया था। संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने यही आरोप हर जगह लगाया, लेकिन हम में से किसी भी पत्रकार ने जो उस समय घूमते थे, वहां पे ट्रैवल करते थे, उनको कोई भी एविडेंस ऐसे मामलों के नहीं आए। हमें इंटरफेथ विवाह के कुछ केसेस दिखाई देते थे, लेकिन ये दो एडल्ट्स में प्यार होने के बाद के होते थे। कुछ इंस्टेंसेस में परिवारों को मंजूर होती थी और कुछ में नहीं। कुछ मामलों को छोड़कर कोई इंटर कम्युनिटी तनाव कभी देखने को नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर के प्रोफेसर दिव्येश आनंद ने अपनी किताब हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ फियर में ऐसा ही कुछ लिखा। एवरीवेयर आई वॉज टोल्ड बाई नैरेटर्स दैट दे पर्सनली न्यू ऑफ केसेस वेयर किडनैपिंग ऑफ अ हिंदू गर्ल हैज बीन फॉइल्ड और अ किडनैप्ड गर्ल हैज बीन रेस्क्यूड बाय ब्रेव हिंदुत्व एक्टिविस्ट। ऑल द स्टोरीज वर अनकैनिली सिमिलर, दे वर वेरिएशंस ऑन द सेम थीम। दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द शेयरिंग ऑफ वोकैबुलरी ऑफ मिथ मेकिंग। पिछले कई सालों में हम लोगों को इसी तरह का एक रेप्लीकेशन ऐसा लगता था कि जैसे साइक्लोस्टाइल या फिर फोटोस्टैट करके 50 लोगों में बांट दिया गया है और फिर ट्वीट करिए या फेसबुक में डालिए, ये चाहे पत्रकार हो या जिनको बोला जाता है सोशल मीडिया वॉरियर्स, ये सब हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए इसी तरह से प्रचार करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की इतिहासकार चारु गुप्ता ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एक लेख में 19वीं शताब्दी में इस मुद्दे पर कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्रचार किया जाता था उसका जिक्र किया है। हिंदू औरतों की लूट, हिंदू स्त्रियों के लूट का कारण, इन जैसे पैम्फलेट निकाले जाते थे। उन्हीं विचारों को रिसाइकिल किया गया और उन्हें 1990s के दशक में और 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में एक आधुनिक मेकओवर दे दिया गया। यूपीए के सेकेंड टेन्योर के समय लव जिहाद कैंपेन को स्टेप अप किया गया। लड़कियों को बहकाने की पुरानी कहानी के अलावा हिंदू लड़कियों की जबरन शादी के आरोप भी लगाए गए। कई बार जांच हुए, इन आरोपों को अदालत में झूठा पाया गया। तब भी अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति, हिंदू जनजागृति समिति और श्री रामा सेने जैसे संगठनों ने कार्यक्रम चलाते रहे। इन गुटों ने 2009 में मैंगलोर के पब्स में जाने के लिए युवा हिंदू महिलाओं की पिटाई भी की। इसकी वजह से इन्हें कुख्याति भी मिली, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। इनका पर्पस थ्री प्रॉन्ग था, लव जिहाद रोकना और मुसलमानों के खिलाफ प्रेजुडिस को फैलाना और साथ ही हिंदू लड़कियों और महिलाओं के पश्चिमीकरण को रोकना। सोशल मीडिया में फॉल्स दावे और खबरें डाली गईं, जैसे कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने 1,00,000 से अधिक हिंदू लड़कियों को पकड़ लिया
और उन्हें काबुल और कंदाहार के बाजारों में नीलाम कर दिया। फिर आगे कहा गया कि महमूद गजनवी ने मथुरा को लूटा और 70,000 हिंदू महिलाओं को इस्लामी देश में भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं सबके खिलाफ आरोप लगाए गए। ऐसा लगने लगा था कि अकबर जिल्ले इलाही से लव जिहादी बन गए। 2014 के बाद लव जिहाद कैंपेन ने और जोर पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले जीत के तुरंत बाद के जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें योगी आदित्यनाथ को ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बना दिया। उन्होंने एक भाषण में कहा था, मुसलमान भारत में जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए वो यहां लव जिहाद का तरीका अपना रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ के पहले फैसलों में एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाना था। मुख्य उद्देश्य सामाजिक मेलजोल रोकना था। नागरिक केवल अपने धर्म के लोगों के साथ ही इंटरैक्ट करें, समाज को धार्मिक खांचों में डिवाइड करें और उनको रूल करें। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का हमेशा डर दिखाते रहें और इसी के कारण बीजेपी चुनाव पर चुनाव जीतती रही। अब क्योंकि लव जिहाद तो लीगली नॉन एग्जिस्टेंट क्राइम था तो उसके खिलाफ कानून कैसे हो सकता है? आदित्यनाथ ने फिर तोड़ निकाला। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 इशू किया गया। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इसे मंजूरी दे दी। बिल ने शादी, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के जरिए कन्वर्जन को प्रतिबंधित किया। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन के लिए 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी कानून को अन्य राज्यों में बाद में इनैक्ट किया गया, नाम थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया होगा। बीजेपी ने अब चुनावी घोषणा पत्र में इस कानून को और मजबूती देने का वादा किया है। जो क्राइम ही नहीं है उसके खिलाफ कानून को और मजबूत करने का मतलब क्या है? लव जिहाद कानून को हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पास किया गया था उसके कंजंक्शन में देखना होगा। ये दो कानून हमें मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही डार्क चैप्टर की याद दिलाते हैं। सितंबर 1935 की बात है, नाजी जर्मनी की। उस वक्त दो ऐसे कानून पास किए गए थे जिनको पॉपुलरली नूरमबर्ग लॉज कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर ने अपने नाजी पार्टी का एनुअल रैली नूरमबर्ग शहर में ऑर्गेनाइज किया था। बोलचाल में कानून का नाम इसी वजह से पड़ा है। रैली के साथ साथ हिटलर ने राइकस्टाग, जर्मन संसद का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया था। जर्मन संसद में सब सदस्य नाजी पार्टी के थे। 15 सितंबर को ये दो कानून पास हुए थे। कानूनों के नाम थे द राइट सिटीजनशिप लॉ एंड द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर। दोनों कानून नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी पर आधारित थे। ये रेशियल सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे। जर्मनी में जूस का सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन इन दो कानूनों के कारण हुआ था। जर्मनी के इतिहास में नूरमबर्ग लॉज का पैसेज इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उसके बाद से जूस का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बॉयकॉट और पर्सिक्यूशन इन्हीं दो कानूनों के कारण संभव हो पाया था। इन कानूनों से
स्टेट सैंक्शन नफरत और पर्सिक्यूशन के रास्ते खोल दिए। राइक सिटीजनशिप लॉ एंड लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर के पैसेज रातों रात की डेवलपमेंट नहीं थी। नाजी पार्टी ने 1920 में ही ज्यूज के नागरिकता के हकों को नकारा था। सितंबर 1935 के दो वर्ष पहले से ही नाजी पार्टी के स्टॉर्म ट्रूपर्स, जो एक तरह के मिलिशिया या पैरामिलिट्री विंग थे, यहूदी वर्कर्स के खिलाफ पब्लिकली अत्याचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ज्यूइश बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स का बॉयकॉट होता था। हिंदुस्तान में कई जगहों पर कुछ ऐसा ही देखा गया है हाल के दिनों में। दूसरा नूरनबर्ग लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ऑनर, जूस और जर्मन्स के बीच शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस पर बैन लगाया था। जब जब जूस पर वायोलेशन का आरोप लगे, वे मिसिंग होते गए। बाद में पता चला कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद करके रखा दिया गया था। हिंदुस्तान जिस मोड़ पर है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके कारण इतिहास के कुछ पन्ने बहुत डिस्टर्बिंग और डरावने अब लगते हैं। नमस्कार।